हेलो एवरीवन, शैलेश शिक्षा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। आपको बता दें फ्रेंड्स कि यह जो समय चल रहा है ना, रियली ऐसा लग रहा है कि यह वैकेंसी दिवस चल रहा है। मतलब कि इस समय जो है कि वैकेंसी आप देख रहे हैं कि पर डे कहीं ना कहीं जेई की ए की वैकेंसी ऑलरेडी आई रही है। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं जिसमें कहीं से अपडेट ना आए कि यहाँ वैकेंसी आ गई। सो आप समझ सकते हैं कि दिस इज द टाइम फॉर द वैकेंसी ऑफ जेई। आप बता दें कि अगले 4-5 महीने तक कंटिन्यू अपने आपको बना करके पढ़िए, आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं आप सिलेक्ट हो जाएंगे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है अपडेट। आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत ही बिग अपडेट आ रहा है थ्रू द BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जो आप समझ सकते हैं कि यह जो जॉब्स होती है बहुत ही प्रेस्टिजियस होती है। मतलब कि यहाँ पर लोगों का सपना होता है कि हमको BSF में जॉब्स करनी, वो भी अगर आपकी जेई आपको जेई का पद मिल जाए ना BSF में, दैट इज द वेरी वेरी मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर आपको जॉब्स मिल गई, समझिए कि आप बहुत ही ज्यादा लकी इंसान है। इसी वजह से यहाँ पर आपको जॉब्स मिलेगी, साथ साथ आपकी मेहनत भी होनी चाहिए उस कदर की। तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं कि क्या है। आज की वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर डेली अपडेट्स दिया जाता है, सो आप इस चैनल पर बने रहिएगा। और सो विदाउट वेस्टिंग टू टाइम चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की तरफ से यहाँ पर टोटल 90 सीट्स निकली हुई है वैकेंसी, जिसका कि शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। मतलब कि अभी लॉन्ग नोटिफिकेशन जो होता है, फुल नोटिफिकेशन वो नहीं आया है, अभी सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोटिफिकेशन से नोटिफाई किया गया है कि यहाँ पर वैकेंसी रिलीज होने जा रही है। आपको बता दें कि यह जो वैकेंसी है बहुत ही अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू ये जॉब निकली हुई है। टोटल सीट 90 है। यहाँ पर बता दें तो देखिए आपका इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंजीनियर जो होते हैं जो है वो सब इंस्पेक्टर भी उसको बोल सकते हैं। मतलब कि ये समझ सकते हैं कि यह जो जॉब्स है सिक्योरिटी फोर्स की जॉब्स है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो नेम्स होते हैं अलग होते हैं, बट जो आपका पद है वही रहेगा, जेई वाला ही रहेगा। सो यहाँ पर जेई को ही सब इंस्पेक्टर भी बोल सकते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू ये जो जॉब से अपडेट कराई गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर टोटल जो सीट से 90 सीट से, जिसमें कि इंस्पेक्टर के लिए एक सीट है जो कि सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आफ्टर दैट आगे बढ़े तो हम आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर या वर्क्स डिपार्टमेंट्स के लिए यहाँ पर टोटल 57 सीट है। जहां पर अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें कि, और आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि जनरल कैटेगरी के लिए 24 सीट है, EWS के लिए 5 सीट है, OBC के लिए 16 है, उसके बाद SC के लिए 8 सीट है, ST के लिए 4 सीट है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं टोटल 57 सीट है। और आपको बता दें कि यहाँ पर सब इंस्पेक्टर वर्क्स डिपार्टमेंट्स के लिए आपके पास सिविल से डिप्लोमा 3 साल का होना चाहिए, तो एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट बात करें JEE इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, या इसको सब इंस्पेक्टर भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर टोटल सीट आपकी 32 है, जिसमें कि 16 सीट जनरल कैटेगरी के लिए, 4 सीट जो है कि EWS के लिए, 4 सीट OBC के लिए, 5 सीट SC के लिए है और 3 सीट ST के लिए। इस तरह से यहाँ पर सीटों का पूरा विवरण समझ गए हैं, साथ साथ आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 90 सीट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू यह जॉब्स अपडेट कराई गई। मतलब कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब से बहुत ही अच्छी जॉब से। और आगे आपको हम बता दें तो यहाँ पर जो कि आपका पे स्केल है 44,900 होने वाला है आपका इंस्पेक्टर के लिए, जिसमें कि ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद 35,400 बेसिक पे रहेगा आपका सब इंस्पेक्टर या कह लीजिए जेई के लिए, या फिर आप 4200 ग्रेड पे मान सकते हैं कि 4200 ग्रेड पे रहेगा जेई के लिए। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो शॉर्ट नोटिफिकेशन में डिटेल्स दिया गया, हम आपको बता दिए आपका टाइम बचाते हुए, क्योंकि नोटिफिकेशन रीड करने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। यहाँ पर हम आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिए हैं। और थोड़ा सा और आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यह फोर्स वाली जॉब होती है ना, तो यहाँ पर हाइट की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर अगर आप जेंट्स हैं, मतलब कहने का मतलब आप पुरुष हैं, तो आपकी हाइट 165 मिनिमम होनी चाहिए। आफ्टर दैट अगर आप स्त्री हैं या गर्ल्स हैं, तो आपकी हाइट जो है कि 157 होनी चाहिए। इस तरह से आपकी हाइट होनी चाहिए। इसमें कुछ चेस्ट का भी मेजरमेंट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता, नॉर्मली किसी भी पुरुष का चेस्ट उतना हो जाएगा। हाँ, बस आपके अंदर कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका मेडिकल भी बहुत ही अच्छे से होता है। सो इस तरह से आप अपने आप को फिट रखिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर इस वैकेंसी को फिलअप करिएगा, जैसे ही फुल नोटिफिकेशन रिलीज होता हम आपको अपडेट करा देंगे। सो इस अपडेट को जानने के लिए सबसे पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए वीडियो कहीं पर करते हैं खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।